आपके घर में भी आप कमाई कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और लक्ष्मी नहीं टिक रही है और लक्ष्मी की आवक नहीं बढ़ रही है, तो आपको टेरो कार्ड रीडर और क्रिस्टल थेरेपिस्ट के अनुसार एक उपाय करना है। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की आवक बढ़ जाएगी और लक्ष्मी रुकना शुरू होगी। आप पर आने वाली सभी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। आपके घर पर ही एक घरेलू उपाय करना है। यह उपाय आप आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कोई अधिक खर्च नहीं करना है। लोकल 18 की टीम को टेरो कार्ड रीडर क्रिस्टल थेरेपिस्ट सिद्धि बरोले ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि आपके घर में भी लक्ष्मी की आवक नहीं हो रही है और घर में ही लक्ष्मी नहीं टिक रही है तो आपको एक उपाय करना है। इस उपाय में आपको आपके घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर हल्दी पाउडर छिड़कना है। यह उपाय आपको 21 दिन तक सुबह के समय स्नान करने के बाद करना है, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की आवक बढ़ जाएगी तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलना पड़ेगी। आपका व्यापार भी चलना शुरू हो जाएगा। आप यदि यह उपाय कर रहे हैं तो आपको एक बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। हल्दी को पीस लेना है और उस पाउडर को ही छिड़कना है, और उसे पाउडर को छिड़कते समय यह इंटेंशन रखना है कि मेरे पास लक्ष्मी आ रही है, मेरी आवक बढ़ रही है, जिससे आपके घर में आवक बढ़ना शुरू हो जाएगी। 50 रुपये में यदि आप इसे हल्दी बाजार से खरीद कर लाते हैं तो आप आसानी से 21 दिन तक यह उपाय कर सकते हैं। आपको यह उपाय करने के लिए मात्र 50 रुपये ही खर्च करना होगे, लेकिन आपको नियम का यह पालन करना है कि आप स्नान करने के बाद ही इस उपाय को करें। यह उपाय करने के बाद यदि यह हल्दी आपके दरवाजे में पड़ी रहती है तो उसको एकत्रित कर आप किसी भी पौधे में डाल दें। नोट, यह खबर टेरो कार्ड रीडर क्रिस्टल थेरेपिस्ट सिद्धि बरोले के अनुसार दी गई जानकारी के आधार पर लिखी गई है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ओके, तो आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो, आपका जो घर की मेन चौखट होती है जिसको हम दहलीज बोलते हैं, आप वहां पर थोड़ी सी हल्दी आपको है ना दोनों साइड छिड़क देना है, इस इंटेंशन के साथ कि घर में लक्ष्मी आ रही है, पैसा आना शुरू हो चुका है, पैसों से रिलेटेड जो समस्या थी वो खत्म हो गई है। अब रोज ये प्रैक्टिस करेंगे, 21 डेज के बाद ही आपको फील होगा कि पैसा टिकना शुरू हो चुका है, पैसों से रिलेटेड समस्या खत्म होना शुरू हो जाएगी।